Hello dear student, today we are discussing about a very important topic, that is mitosis या samsutri vibhajan ke jise naam se jante hain. Before discussing about the cell division, we must know about the properties of the cell. Cells is a fundamental and structural units of all living organisms. सभी जीव जंतुओं की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं. और जब हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक सेल्स के आधार पर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं देन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब कोशिका डिवाइड होती है तो इटसेल्फ इट मैट्स टू ऑर्गेनिज्म. दो वो उनके रिप्रोडक्शन का भी काम करती है और वो उनके सेल डिवीजन का भी हम काम करती है. लेकिन जब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जैसे प्लांट्स है या एनिमल्स है उसमें जर्मिनेशन है, उसकी ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, फॉर्मेशन और डिफरेंट पार्ट्स हैं, लिम्स वगैरह फॉर्मेशन है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सेल डिवीजन एक्टिविटीज़. सेल डिवीजन एक्टिविटी इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज गोइंग ऑन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जनरली हम कोशिका विभाजन है उसको दो कोशिका विभाजन में हम डिवाइड करते हैं, तो समसूत्र विभाजन और एक अर्धसूत्र विभाजन. समसूत्र विभाजन कोशिकाओं में जब एक कोशिका दूसरी सोमेटिक कोशिका में किसी तरह का कोशिका विभाजन होता है तो उसको हम समसूत्र विभाजन कहते हैं. और जेनेटिक सेल्स में अगर कोशिका विभाजन होता है और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है उसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं, जिसको वी विल डिस्कस इन अदर टॉपिक. कोशिका विभाजन जो समसूत्र विभाजन है उसकी हम बात करें तो उसकी माइटोसिस कहाँ कहाँ काम आता है. इट्स ग्रोथ है, रिपेयरिंग, हीलिंग और एनी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आता है. मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ है विद इन द ऑर्गेनिज्म आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में ऑर्गेनिज्म बनता है, सारा उसका डेवलपमेंट है, वेदर इट इज़ रिप्रोडक्टिव है या किसी और भी सोमेटिक सेल्स के डेवलपमेंट हैं वो सारे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन लीफ का अगर हम करें तो एक लीफ से एक प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो जाइगोट से फिर आगे जाकर के पूरा मतलब सीड का फॉर्मेशन होता है. सीड से फिर सीड का फॉर्मेशन भी थ्रू माइटोसिस के होगा, देन उसके बाद में स्टेम बनता है, रूट बनता है, लीफ बनती है, फ्लोवर बनते हैं, पेटल्स, सेपल्स, सो मैनी स्ट्रक्चर्स आर बींग वार्क है, आपके कॉर्टेक्स है, एपिथीलियम है, जितनी भी सेल्स बनती है ये सारी थ्रू द माइटोसिस के ही संभव है. कोशिका विभाजन सेल डिवीजन अगर माइटोसिस में है तो सम सेल्स डिवाइड कॉन्स्टेंटली, जिनको हम दे है सम सेल्स इन सोमेटिक सेल्स हैव अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन्स. और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो एक समय के बाद में उनमें किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हम इसमें एनिमल्स की बात करें तो न्यूरॉन सेल्स फर्स्ट बार बनती है, उसके बाद में डिवीजन में संभव नहीं है. इसी तरीके से प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में जैसे आपके जाइलम सेल्स हैं, जाइलम सेल्स एक बार बनने के बाद में फिर आगे डिवाइड नहीं होती है. जबकि कुछ ऐसी सेल्स होती है एपिथीलियल सेल्स वगैरह ये होती है जिनमें, और एनिमल्स में स्किन सेल्स हैं और एम्ब्रियोनिक सेल्स है, गट लाइनिंग सेल्स है, इनमें अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन्स होते हैं. जैसा अभी बताया मैंने, जैसे ब्रेन सेल्स कभी बहुत ही कम डिवाइड होती है इसलिए स्पाइनल कॉर्ड सेल्स, नर्व सेल्स भी बहुत कम या वन टाइम इनका डिवीजन्स होता है. कार्डिक सेल्स में भी बहुत कम डिवीजन्स होते हैं. टू टाइप के डिवीजन्स हैं, माइटोसिस समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्र विभाजन.
इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है सेल डिविजन्स में, जैसे एक सोमेटिक सेल्स हैं, एक बॉडी होती है, एक बॉडी सेल्स हैं जिसमें सेल हुज जीन्स विल नॉट पास ऑन द फ्यूचर जनरेशन, ओके, एंड देन जर्म सेल्स जैसे एग्स और स्पर्म सेल्स में जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आफ्टर द मियोसिस होता है, और इसके जो जीन्स हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में पास होते हैं। तो दो तरह की सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरली हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म और हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म। अगर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है किसी सेल्स में देन इट इज नोन एज डिप्लोइड, इफ इट इज वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स विद इन सेल इट इज नोन एज द हैप्लोइड, हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म या द्विगुणित और एगुणित प्रकार के जीव की। माइटोसिस की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई अल्टरेशन नहीं होता है, जीन्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होता है, इसमें जीन्स एक्सचेंज नहीं होता है। हाँ, हालांकि कभी कभी सोमेटिक जीन एक्सप्रेशन होता, जीन एक्सचेंज होता है। डीएनए रिमेंस आइडेंटिकल द सेम, डीएनए बिल्कुल सेम रहता है, और सेल्स जैसे टू एन सेल्स अगर डिवाइड होती है तो टू एन ही रहेगी, डिप्लोइड डिप्लोइड रहेगी। अगर वो टेट्राप्लोइड या हेक्साप्लोइड इन प्लांट सेल्स ये हो सकता है तो हेक्साप्लोइड हेक्साप्लोइड रहेगी और टेट्राप्लोइड टेट्राप्लोइड रहेगी। सेल साइकिल इसमें टिपिकली जो बहुत सारी फेजेज होती है एक कोशिका, जब अनदर कोशिका से डिवाइड होती है तो उसमें सबसे पहले उसमें जीवन फेज होती है जिसको जीवन होती है, देन उसके बाद में एस फेज होती है, जी टू होती है। जीवन, एस और जी टू, इन दोनों तीनों फेजों को हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में एक्चुअल जो डिवाइडिंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ लॉन्गेस्ट जो सेल साइकिल है वो इंटरफेज होती है, और जीवन में एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसमें सेल्स बहुत ही इनएक्टिव रहती है, जैसे कोशिका विभाजन होता है देन उसके बाद में बहुत सारे उसके अंदर की जो सेल ऑर्गेनल्स वगैरह है उनके अंदर डेवलपमेंट होता है, और एक्चुअली जीवन के इनमें बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं जो हम नेक्स्ट उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से एम फेज से जीवन फेज में अगर कोई सेल्स जाती है, जीवन अगर कोई कोशिका अगर डिवीजन के लिए जाएगी तो वो एस फेज में जाएगी, अगर कोई कोशिका आगे जाकर के डिवाइड नहीं होती वो तो थ्रू आउट लाइफ जीवन स्टेज में ही रहती है। जीवन फेज से अगर एस फेज में कोशिका जाती है देन उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन की जाती है एस फेज में। एस फेज में एक्चुअली क्या होता है, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, और डीएनए का सिंथेसिस होने से नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ से जीवन से एस वन एस जो फेज उससे जाने के पहले कोशिका को बहुत सारे न्यूक्लियोइड के फॉर्मेशन करना पड़ता है, मतलब जीन्स के जो फॉर्मेशन के लिए जो जो भी मशीनरी की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें वहाँ से प्रिपरेशन की जाती है। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन है, आपके न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, देन उसके बाद में शुगर्स हैं, स्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन स्टोन प्रोटीन्स हैं, इनका सबका फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में जी एस फेज में डीएनए की जो मात्रा है वो डबल हो जाती है, देन उसके बाद में सेल अंडरगोस टू जी टू फेज। दिस इज द इम्पोर्टेंट वी हैव टू नो दैट आफ्टर द एस फेज इफ सेल्स एंटर इन द एस फेज इट मस्ट बी डिवाइडिंग, इसको डिवाइड होना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ जो जीन्स हैं उसके ऑलरेडी मात्रा डबल हो जाती है, तो कोशिका में इक्वल रखने के लिए उसका डिवाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एस फेज के, एस फेज के बाद में फिर कोशिका फिर जी टू फेज में जाती है, वहाँ पर कोशिका से कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कोशिका में होती है, और उसमें कोशिका जो माइटोटिक जो डिविजन्स हैं जैसे माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी तो उन सब का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है ताकि कोशिका डिवीजन के लिए तैयार हो जाए। तो ये वो सारी प्रिपरेशन यहाँ पे की जाती है। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ माइटोसिस, और इसमें
बिल्कुल क्लियरली ये इस डायग्राम में दर्शा रखा है। देखिए जी वन फेज ग्रोथ की होती है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जी टू में ग्रोथ और फाइनल प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, एंड देन सेल अंडरगोज टू माइटोसिस और समसूत्र विभाजन। समसूत्र विभाजन माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी जीन्स वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और देन उसके बाद में पहले जीन्स का सेपरेशन होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, देन उसके बाद में पूरे साइटोप्लाज्म का डिविजन्स होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था होती है, देन उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। जैसा कि एज यूजल हम जानते हैं कि आफ्टर सेल डिवीजन टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, देन उसके बाद में एक कोशिका से दो कोशिका के फॉर्मेशन हो जाएगा और नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं सेल्स में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और ये देखिए, दिस इज द माइटोसिस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। माइटोसिस इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जैसा हमने पहले दर्शाया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, जैसे प्रोफेज अवस्था में कोई सेल्स हैं, देन इट हैज़ अगर टू डिप्लोइड सेल्स है देन इट हैज़ द टेट्राप्लॉइड इन स्टेज, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम्स या की कॉपी जहां पर डिप्लोइड में दो होती है, लेकिन जब कोशिका प्रोफेज अवस्था में आती है तो उसकी चार कॉपी होती है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो एक जीन्स की चार कॉपी होती है कुल मिला करके यहाँ पर, और उनमें से दो दो कॉपी एक एक सेल्स में डाइवर्ट कर दी जाएगी। प्रोफेज अवस्था, अब उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये एक बेसिकली क्या है, ये क्रोमोसोम्स के मूवमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं, और इसमें किस तरह से क्रोमोसोम्स एक पोल से दूसरी पोल्स की तरफ मूव करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम इनको अलग अलग फेजेज में डिवाइड करते हैं। पहली फेज है वो है प्रोफेज,